नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को अयोध्या का दौरा करने से पहले उत्तर प्रदेश के इस शहर को दिव्य रूप से देने के लिए फूलों से सजाया जा रहा है। पूर्ण विकसित मार्ग राम पथ के मध्य में स्थापित बिजली के सजावटी खंभों के चारों ओर नारंगी और पीले रंग के गेंदे के फूलों से माला लपेटी जा रही है। इन खंभों के शीर्ष पर बने डिजाइन धार्मिक प्रतीकों का दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए कई श्रमिक राम कथा पार्क में फूलों से कलात्मक आकार बना रहे हैं। सजावट के लिए भगवान राम, उनके धनुष और तीर, भगवान हनुमान, धार्मिक तिलक आदि की छवियों से प्रेरणा ली गई है। शहर के विभिन्न हिस्सों की फूलों से सजावट से जुटे हुए कई श्रमिकों ने कई बातें कही हैं। वहीं आपको बता दें कि कई लोगों ने कहा कि 30 दिसंबर को अयोध्या भव्य दिखाई देगी। इसी बीच कलाकार जो है अयोध्या के एयरपोर्ट पर मौजूद है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर सभी अपनी कलाकृति को बिखेरेंगे और मोदी जी का स्वागत करेंगे। इस दौरान कलाकारों से बातचीत हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सौभाग्य का क्षण हम लोग के पास कभी नहीं हो सकता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के योगदान से, उनके इतने बड़े कार्य से हमारे राम जी टाट से ठाट पे आ रहे हैं। उनका भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और ये सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने सांस्कृतिक विभाग, अयोध्या शोध संस्थान और जिला प्रशासन को देने जाऊंगी, जो इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया और हम सभी कलाकारों को देश विदेश से कार्यक्रम करने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इतने अच्छे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उनके सम्मान में, और फिर राम जी का इतना बड़ा सा मंदिर, उसके बाद फिर हम अयोध्या निवासी, सारी चीजें एक साथ, हमारे पास खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। थैंक यू। तो 30 दिसंबर को जब इतनी खूबसूरत अयोध्या दिखाई दे रही है, तो सोचिए प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 दिसंबर को किस तरह की खूबसूरती अयोध्या में दिखाई देने वाली है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पंजाब केसरी।